सभी का, आप देख रहे हैं हमारा खास शो पांच की आंच। मैं हूं अपर्णा मौजम और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज पांच की आंच में बात होगी संसद में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के प्रहार की, साथ ही बात होगी दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एमपी में अलर्ट। बात करेंगे कैसे इंदौर में कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी नेता का स्वागत करना, कांग्रेस के दो नेताओं को पड़ गया भारी। साथ ही बात करेंगे बारिश के दौरान लोगों ने जिस तरह से जानलेवा लापरवाही लोग कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और बात होगी बाबा महाकाल की शाही सवारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बड़ी खबर है कि हादसे से ठीक पहले दिल्ली सरकार के शिकायती पोर्टल पर राउज आईएएस कोचिंग सेंटर को लेकर शिकायत भेजी गई। ग्वालियर के किशोर कुशवाहा नाम की जिस शिकायतकर्ता ने दिल्ली सरकार के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी उसमें उसने ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे राउज आईएएस कोचिंग क्लासेस का जिक्र किया था। शिकायत में साफ साफ लिखा गया था कि बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना इजाजत क्लास संचालित हो रही है, इससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। और किशोर कुशवाहा की शिकायत पोर्टल पर दर्ज भी हो गई है और इस पर एक्शन की तारीख का जिक्र हुआ 18 जुलाई का, लेकिन 18 जुलाई के बाद किशोर कुशवाहा ने एक बार फिर सरकार के पोर्टल पर रिमाइंडर भेजा 22 जुलाई को, यानी हादसे से ठीक 5 दिन पहले। लेकिन जैसा होता है सरकारी सिस्टम में बाकी शिकायतों के साथ इस शिकायत को भी अधिकारियों ने हल्के में ले लिया और कोई एक्शन नहीं लिया गया। जून को 2024 को करोल बाग में राव आईएएस के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी केंद्र सरकार को पीजी पोर्टल के माध्यम से, लेकिन उस पर उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भेज दी थी एमसीडी के लिए, लेकिन एमसीडी द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद मैंने पुनः उसे 15 जुलाई को रिमाइंडर भेजा लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर मैंने 22 जुलाई को दोबारा रिमाइंडर भेजा उन्हें, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जो घटना वहाँ पर घटित हुई है बेहद दुखद एवं संतापपूर्ण है, लेकिन उस पर यदि वो एक्शन हो जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती और बच्चों का हित सद जाता। तो इस प्रकार से कई लाइब्रेरीज बेसमेंट में संचालित होती हैं और कई कक्षाएं संचालित होती हैं सिर्फ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में ही नहीं बल्कि मुखर्जी नगर में, ग्वालियर के पड़ाव और जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे भी जहाँ पे एजुकेशन हब है, कोटा, जयपुर, पटना, इंदौर, बड़ी बड़ी सिटियों में बेसमेंट में लाइब्रेरीज संचालित होती हैं जिससे लाख। और सुशील कौशिक ग्वालियर से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, वाकई अगर इस छात्र की बात सुन ली जाती, समय रहते इस पर संज्ञान ले लिया जाता, ग्वालियर का ये छात्र है तो शायद वो हादसा होने से बच जाता। बिल्कुल सही बात है। देखिए प्रशांत, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही एमसीडी की हुई है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, कि जो ग्वालियर का छात्र किशोर कुशवाहा ये दिल्ली में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। 20 जून को जब इस छात्र ने एमसीडी में कंप्लेंट की थी इसी कोचिंग की, जिस राय आईएएस कोचिंग पर जो हादसा हुआ है उस कोचिंग को लेकर 26 जून को ही उन्होंने एमसीडी के ऑनलाइन पोर्टल पर कंप्लेंट की थी। बाकायदा कहा था कि ये कोचिंग बेसमेंट में चल रही है और इससे कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान हो सकता है। जब इस पर एमसीडी ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो फिर इस छात्र ने 18 जुलाई को वापस उसी कंप्लेंट पर ऑनलाइन रिमाइंडर भेजा, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर 22 जुलाई को एक बार फिर दूसरा रिमाइंडर भेजा। आप देखिए लापरवाही की हद एमसीडी की, कि इसके बावजूद भी दो रिमाइंडर के बाद भी एमसीडी नहीं जागा और आखिरकार 27 जुलाई की के दिन ये दिल्ली में इस राउस आईएएस कोचिंग पर हादसा हुआ जिसमें 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर दिल्ली एमसीडी अगर वक्त रहते कार्रवाई करता तो इन 3 छात्र छात्राओं की जान बच जाती, साथ ही उनका ये कहना बिल्कुल अगर समय पर कार्रवाई करता दिल्ली एमसीडी तो शायद यह हादसा नहीं होता, जान बचाई जा सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुशील। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई, इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। प्रदेश में भी कोचिंग सेंटर्स पर चेकिंग अभियान शुरू होंगे।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर्स ने कलेक्टर्स से 24 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है ताकि दिल्ली जैसी घटना एमपी में ना हो। दिल्ली में हादसा, एमपी में अलर्ट, एक्शन में सीएम, कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर एमपी सरकार अलर्ट पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सभी जिलों के कलेक्टर से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन ऐसे में कोई जनहानि नहीं हो, कोई घटना नहीं घटे, और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए है कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था, जिसमें आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली में भी एमसीडी ने कार्रवाई की और हादसे वाले कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर की कार्रवाई की। वहीं 13 अवैध कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद अब एमपी में कोचिंग संस्थानों की जांच होगी, तो वहीं प्रदेश भर में बिल्डिंग्स के बेसमेंट में क्या क्या संचालन हो रहा है, इसके साथ ही बेसमेंट में जल निकासी समेत अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में हुआ क्या था। कोचिंग सेंटर जिसके बेसमेंट में पानी भर गया था और पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। सीढ़ियों पर पानी का तेज बहाव भी था जिससे स्टूडेंट बेसमेंट से बाहर नहीं निकल पाए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यह हादसा हुआ था। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र यहां पर थे और वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए थे। कोचिंग सेंटर का जो बेसमेंट था, बेसमेंट में ही लाइब्रेरी बनी हुई थी और वहीं पर पानी भर गया था। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का यह हादसा और ये इस हादसे ने आखिरकार अगर हम बताएं तो पूरे देश की नींद एक बार फिर से खोल दी है, और न केवल दिल्ली बल्कि मध्य प्रदेश में भी अब लगातार एक्शन हो रहा है। इस हादसे के बाद कोचिंग सेंटर्स की जानकारी मांगी गई है स्थानीय प्रशासन से, कहां कहां कितनी कोचिंग सेंटर्स हैं और बेसमेंट में उन कोचिंग सेंटर्स, ऐसा तो नहीं कि बेसमेंट में चलाई जा रही है, बेसमेंट में क्या है, किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है, कहीं बच्चे हादसे का सबब तो नहीं बन जाएंगे। और भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, दिल्ली में जो दर्दनाक हादसा हुआ, 3 बच्चों की जान चली गई, अब दिल्ली में भी लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन में मोड में है एमसीडी और पुलिस भी। भोपाल में भी सीएम ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि सभी व्यवस्थाओं को चेक किया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि सभी चीजें सही हों। जी देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक समीक्षा बैठक में अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दिल्ली का जो हादसा हुआ है उसे सबक लिया जाए और मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। उसके लिए अभी से सभी जो 16 बड़ी नगर निगम है वहां पर जांच की जाए, जितनी भी कोचिंग क्लास है उनके देखा जाए कि बेसमेंट में कितनी कोचिंग क्लास चल रही है, और अगर इस तरह की है तो, और वहां पर अगर जल जमाव या आसपास ऐसी स्थिति होती है कि पानी जमा होता है सड़कों पर, तो उसके उपाय किए जाएं, ये व्यवस्था की जाए कि पानी कहीं रुकना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसी बेसमेंट में कोचिंग चल रही है तो वहां इंतजाम किस तरह है, और अगर कमी पाई जाए तो वहां से बेसमेंट से कोचिंग क्लास बंद कराई जाए, कोचिंग सेंटर पर भी कार्रवाई की जाए। और आज जो एसीएस डॉक्टर राजेश राजौरा, उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए, सभी 16 नगर निगम के कमिश्नर्स को कहा गया है, कलेक्टर्स को कहा गया है कि वो एक जांच टीम बनाकर सभी कोचिंग क्लासेस का निरीक्षण करें और आगे की कार्रवाई करें। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में एमपी नगर क्षेत्र है जहाँ पर कोचिंग क्लासेस है, सेंटर काफी बड़ी संख्या में है, तो यहाँ पर पानी के साथ साथ समस्या है फायर सेफ्टी की भी, तो निश्चित ही अब ना केवल पानी को लेकर जांच पर चीजें सही मिले और ये एंश्योर करना प्रशासन का काम है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र।
और अब लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने कहा केंद्र सरकार गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो महाभारत में सालों पहले अभिमन्यु के साथ किया गया था वही आज भारत की जनता के साथ किया जा रहा है। लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने भाजपा को इंटर्नशिप से लेकर पेपर लीक मामले तक में घेरने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने कई बार राहुल के तथ्यों पर सवाल भी उठाए। इसके बाद सदन में दोनों ही तरफ से जोरदार हंगामा हुआ। जो अन्नदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया तीन काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था, जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली भजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने। और इधर इंदौर में कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी नेताओं के स्वागत पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले इन दोनों नेताओं को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब इन दोनों ही नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं कांग्रेस की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने तंज कसा है। स्वागत पर एक्शन, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई, शहर और जिला अध्यक्ष सस्पेंड, कैलाश विजय वर्गीय का किया था स्वागत। इंदौर के कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी नेताओं के स्वागत पर कांग्रेस बिफर गई है। स्वागत करने वाले कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्ष पर पार्टी ने एक्शन लिया है और दोनों को कारण बताओ नोटिस के बाद सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मुताबिक दोनों नेताओं पर पार्टी ने सोचकर कार्रवाई की है। आखिर कांग्रेस दफ्तर में बीजेपी नेताओं के स्वागत करने की क्या जरूरत थी? इन्हें नोटिस दिया गया था और नोटिस अवधि में इनको निलंबित कर दिया गया है। जब इनका जवाब आ जाएगा तब आगे कार्रवाई के बारे में सोचा जाएगा। जो जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की उनको अपने कार्यालय में बुला के सौजन्यता की क्या आवश्यकता है? वहीं इस मामले में बारिश के मौसम में एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के निलंबन की कार्रवाई पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि ये जीतू पटवारी का खेला है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए विषय बदलने की कोशिश की गई है। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने के अभियान के तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय 12 जुलाई को इंदौर स्थित कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन पहुंचे थे। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। उनके लिए गुलदस्ते से गुलाब जामुन तक लाए गए थे। दरअसल कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा ने गुलदस्ते देकर कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत किया था और गले भी लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस दफ्तर में स्वागत, लेकिन स्वागत करने वाले कांग्रेस नेताओं को यह भारी पड़ गया है, कार्रवाई हो गई है। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, सौजन्य मुलाकात या भेंट तक तो ठीक है, लेकिन आपने अपने ही दफ्तर बुलाकर दूसरी पार्टी के बड़े नेता का स्वागत कर दिया, थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद लिमिट क्रॉस कर दी तो एक्शन भी हो गया। प्रशांत जी, सुजीत चड्ढा
और सदासु यादव जो जिलाध्यक्ष हैं और सुजीत चड्ढा कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष हैं, दोनों ही नेताओं को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को गुलाब जामुन खिलाना महंगा पड़ गया जी। स्वागत के लिए बकायदा फूलहार की व्यवस्था की गई थी, जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं स्वागत के बाद उन्हें गुलाब जामुन खिलाया जाता है, और शायद जब ये बात पार्टी के कांग्रेस पार्टी के हाईकमान तक जाती है तो उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाता है। देखिए एक्शन तो ले लिया गया है, नोटिस 20 तारीख को जारी कर दिया गया था, लेकिन नोटिस की बात को यानी जो नोटिस दिया गया था महज दो दिन पहले मीडिया से चर्चा के दौरान पर जो शहर के अध्यक्ष हैं सुजीत चड्ढा उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था, उन्होंने कहा था उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है, ना उन्हें नोटिस मिला है ना उनके जो साथी हैं जिला अध्यक्ष उन्हें भी नोटिस नहीं मिला है, लेकिन आज दो दिन बाद वो जो नोटिस है नहीं, लेकिन ये बताइएगा मिथिलेश इतनी उदारता क्यों दिखा गए कांग्रेसी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत यह हुई थी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, बकायदा निमंत्रण देने के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, कहते दोनों ही दल राजनीतिक दल है, राजनीतिक अब इससे अपना अपना हो सकता है, लेकिन जब शहर हित की बात हो जब पर्यावरण की बात हो तब मिलकर पेड़ लगाएंगे, और जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पेड़ लगाएंगे उसका नाम गांधी वन भी रख दिया जाएगा, बकायदा वो इसके लिए निमंत्रण देने के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचते हैं, और इस के अध्यक्ष कहना है कि जब मेहमान घर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, तो देखिए वहां पर राजनीतिक बात नहीं थी, मेहमान हमारे घर आए थे और वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे, स्वागत करने से खपा कांग्रेस के हाई कमान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन इस पे बड़ी राजनीति भी शुरू हो चुकी है, सियासत शुरू हो चुकी है, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता जो ये नहीं चाहते थे कि सुजीत चड्ढा और सदाशिव यादव अध्यक्ष रहे, अब उनके बयान भी सामने आने लग गए, अब खुल के विरोध जो है वो दिखने लगा है कि गलत हुआ है तो कार्रवाई तो ठीक होगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए, वरना एक बड़ा मैसेज जो पार्टी की तरफ से जाना चाहिए वो मैसेज नहीं जा पाएगा, ये कहा जा सकता है कि सियासत देखने को मिल रही बड़ी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद मिथिलेश। और अब बात ग्वालियर की, जहां कांग्रेस विधायक पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। मऊ पहाड़ी के आदिवासियों से मारपीट के आरोप लगे हैं। ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर दरअसल विधायक के घर पर ये आदिवासी पहुंचे थे। विधायक पर दरवाजे से भगाने का आरोप है और एएसपी ने मामले की जांच का भरोसा भी दिलाया है। बिजली की गुहार लगाने जब दरवाजे पर खड़े हो गए तो विधायक ने खुद मारपीट की, इन महिलाओं का ये आरोप है। कांग्रेस विधायक ने महिलाओं को लात घूसों से भी मारा है। ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर, जिन पर ये गंभीर आरोप मऊ पहाड़ी की आदिवासी महिलाओं ने लगाए हैं। तो साहब सिंह गुर्जर कांग्रेस विधायक और महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगा है। महिलाएं दरअसल अपने क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर पहुंची थी और इसी दौरान का ये पूरा वाक्य है। सिंह के बंगले पे गए थे, उनसे लाइट की समस्या कही, कैसा पांच बेर आया हम आपके पास, आपको वोट दिए, आपको जिताया, आप हमारी समस्या पूरी करो, जरा गेट से बाहर निकलो, पहले तो आप लोग गेट से बाहर निकले आए, कोई बात नहीं चलो चलो गेट से बाहर निकल गए। उसके बाद में उनने लेडीज में हाथ उठाया, लेडीज को मारा, फिर आदमी को मारने लग गए जी। ये महाराजपुरा थाना क्षेत्र के मऊ गांव का है, मऊ पहाड़ का रहने वाला है। इनके द्वारा ये आरोप लगाया कि विधायक साहब सिंह गुर्जर द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किया गया है। तो जो महिला आया है उनके साथ कुछ पुरुष भी है, तो एसपी से मिलने की तुरंत मिलने का डिमांड कर रहा था, वो एसपी कल अनअवेलेबल है, एक मीटिंग में गया हुआ है, तो मैंने इनसे मिल लिया और ये बोला है कि जो भी आरोप है वो क्लियरली लिखित में देने के लिए। अब बात बैतूल की, जहां शाहपुर ब्लॉक में मोरंड नदी में बाढ़ आ गई, लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच लोग जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अपनी जान को खतरे में डालकर यहां पुल पार करने को मजबूर हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, दोनों जहां पुल के दोनों तरफ ट्रैफिक रुका हुआ है, बावजूद लोग यहां पर पुल पार कर रहे हैं और ये कभी भी हादसे का सबब हो सकता है।
तो पानी के तेज बहाव के बीच इस तरह से ये नजर आ रहे हैं इस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हुए, लेकिन ये रास्ता इस तरह पार करने की जल्दबाजी इनकी जान पर भारी भी पड़ सकती है। न्यूज 18 ये अपील करता है कि ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये आपको समझना होगा और इस बात को लेकर सतर्क भी रहना होगा। ये देखिए आप ये तस्वीरें, और ऐसी लापरवाही वाकई जान पर भारी पड़ सकती है। बाइक को लाठियों के सहारे चार व्यक्ति ऊपर रखकर और उसके बाद ये लगातार फनती नदी के ऊपर से रास्ता पार कर रहे हैं।